गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और जिम में बस हम दो लोग हैं, मैं और करण। ऑफिशियली जिम 8 बजे स्टार्ट होने वाला है, बट हमारे लिए 6 बजे खोल दिया था। और आज हम एक बैक सेशन लगाने वाले हैं और आज का बैक सेशन मेरे यूट्यूब पर एक पहला डेडिकेटेड बैक सेशन होगा और बैक का वीडियो होगा। सो मैं आपको मेरे वर्कआउट के थ्रू लेके जाऊँगा। अभी मैं प्री ले रहा हूँ और आज तो मुझे सच में ज़रूरत लग रही है प्री की। सो वन स्कूप, ये कोई नया प्री है। मैं यूजुअली मसल ब्लेज का यूज़ करता हूँ बट ये मैंने यहाँ के ट्रेनर से बोरो किया है। प्री लेंगे और एक अच्छा सा बैक वर्कआउट शूट करेंगे और शूट को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि लाइटिंग यहाँ से भी सही आ रही है और ऊपर भी इस जिम में बहुत सारे स्पॉटलाइट्स है। सो लेट्स गो। आज का ट्रेनिंग सेशन हम पुलअप से स्टार्ट करने वाले हैं और आज के ट्रेनिंग सेशन का यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है क्योंकि आपको पता होगा मेरे जो भी बाकी के सेशंस है उसमें एक कंपाउंड लिफ्ट होता है स्टार्टिंग को, जो कि एक स्ट्रेंथ फोकस, जिसे मैं एक स्ट्रेंथ फोकस्ड लिफ्ट बोलता हूँ। और बैक के लिए मेरे पास कोई भी ऐसे एक मूवमेंट नहीं थी, मैं बस एक वर्टिकल पुल के लिए लैट पुल डाउन करता था और हॉरिजॉन्टल के लिए एक रोइंग करता था। बट बैक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें एक मूवमेंट मिली है और हम इसे पिछले 3 वीक से कर रहे हैं। सो मज़ा आ रहा है, एक अच्छा स्ट्रेच भी मिलता है। सो अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सेटअप करके। लकीली मेरे जिम में ये एक बेल्ट है जिससे मैं वेटेड पुलअप्स कर सकता हूँ और आज का बैक वर्कआउट हम इसी मूवमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि मैं इसे पिछले 2 से 3 वीक के लिए कर रहा हूँ और इस मूवमेंट में एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है और बैक पम्प्स भी बढ़िया आते हैं। सो पहली मूवमेंट होगी वेटेड पुलअप्स, इस पर हम 10 kg से करने वाले हैं और 10 kg से मुझे पिछली बार 6 reps गए थे, तो देखते हैं इस बार कितने जाते हैं। सो हम पहले एक वार्म अप सेट मारेंगे अपने बॉडी वेट के साथ और फिर उसके बाद हम लेंगे एक 10 kg से पहला वर्किंग सेट। सो सेट के लिए हमें 7 reps मिले लेकिन फॉर्म थोड़ा सा सही होना चाहिए था, सो वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम। इसका हम एक ही हार्ड सेट करते हैं, इसके बाद हम 2 sets लैट पुल डाउन के लिए करेंगे और बाकी हमारा हॉरिजॉन्टल पुल होगा। सो देखते हैं आगे। Six, seven,
9, come on, 3 more. 2 more. Shut. 3 more. Nice, nice, nice. Easy. Ha. Nice set. One more. Momentum is fine. बाप, हमारे बैक के लिए इन टोटल 3 सेट हो गए और हमारा वर्टिकल पुल ख़त्म हो गया है। मुझे आपसे मेरे कैलोरी डेफिसिट के बारे में बात करना था। मुझे बहुत लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि तुझे बल्क करना चाहिए। सो मेरा ओरिजिनल प्लान यही था कि मैं एक लीन बल्क करूं, बट इतने दिनों से मैं बल्क की कोशिश कर रहा था और बल्क के नाम पे कुछ भी बाहर का खाना हो गया या कुछ भी कोई ऑफ़र करता था तो मैं खा लेता था, क्योंकि मेरा बल्क चल रहा है और मैं उसे ना कैलकुलेट करता था, जस्ट एक कैलोरीज भरते जा रहा था। और इसी के कारण मेरा बॉडी फैट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। हम 5 वीक्स बाद एक लीन बल्क करने वाले हैं और उसी बल्क में हमारा जो कैलोरी डिफिसिट में जा रहे हैं, ये जो मैं डिसिप्लिन स्टेट में जा रहा हूँ, वो मुझे ये लीन बल्क में काम आएगा। और यही प्लान था मेरा, और लेकिन बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं कट कर रहा हूँ, पतला हो जाऊँगा, लेकिन मैं ये पतला होने के लिए नहीं कर रहा। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट और एक अच्छा माइंडसेट के लिए ये मैं कट कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन स्टेट में जा रहा हूँ और ये जिम का जो डिसिप्लिन है वो मेरे बाकी लाइफ एस्पेक्ट्स में भी आ रहा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कॉलेज कर रहा हूँ, सो वहाँ पर भी मुझे ये काम आ रहा है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपका बॉडी फैट 15 से 20 है, तो आप एक छोटा सा कट कर सकते हो, लेकिन वो आपकी चॉइस है। आप अपना रिसर्च करो और देखो आपके लिए क्या सूट करता है। सो 3 सेट हो गए वर्टिकल पुल के, अब 3 सेट हम हॉरिजॉन्टल पुल के करेंगे। डन फॉर द बैक गाइज, और अभी हम 3 सेट्स रेल डेल्ट के लिए करेंगे। और ये एक ही एक्सरसाइज है जो मैं अपने रेल डेल्ट के लिए करता हूँ। सो इसके 3 सेट और फिर हमारा बैक डे ख़त्म हो जाएगा। डन फॉर द डे गाइस, अब घर जाएंगे और घर जाकर मैं अभी अपना स्टैंडर्ड ओट मील लूँगा और घर जाके आपको बताऊँगा कि मैं एग्जैक्टली कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ और कितना कैलोरीज डेफिसिट में हूँ। सो घर जाएंगे, ओट मील खाएंगे और हमें एक शूट के लिए निकलना है, इसलिए हम इतना जल्दी आज ट्रेन करने के लिए आए थे। तो लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है। बैक टू द होम गाइस, अब हम बनाएंगे हमारे स्टैंडर्ड ओट्स, जिसके लिए ये मसल ग्लेस के डब्बे में मैंने ओट्स भर के रखे हैं। सो हम लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स। इस बाउल में है इन टोटल 100 ग्राम ओट्स।
मैंने इसकी क्वांटिटी कम की थी, बट हमें आज एक शूट पे जाना है, सो थोड़ा सा फुल होना चाहिए और शूट थोड़े लंबे समय के लिए चलेगा, तो कैलोरी डेफिसिट में भी 100 ग्राम ओट्स ज़्यादा नहीं होते। सो अभी हम पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैं यूजुअली एक ग्लास डालता हूँ 100 ग्राम के लिए। तो मेरे घर पर एक माइक्रोवेव नहीं है, इसलिए मैं ओट्स बॉईल करके बनाता हूँ। सो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पानी को थोड़ा बॉईल करो 1 या 2 मिनट के लिए। जब पानी बॉईल हो जाता है, यानी कि इसमें दिख जाएगा आपको, तब आपको जो ओट्स आपने बाउल में लिए हैं वो उसमें डाल लें। हम और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, तब तक आपको एक बनाना लेना है और ये सेम बाउल में आपको डालना है। सो पहले मैं बनाना को छोटा छोटा काटता था और ऊपर से ओट्स के ऊपर डालता था, बट मुझे साकेत ने एक टेक्निक बताई है, टेक्निक नहीं एक रेसिपी टाइप, आपको केला इसमें डालना है और ये चम्मच या स्मैशर होगा तो उससे आपको इसे एकदम स्मैश कर देना है और छोटा छोटा कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी बनाना का फ्लेवर होगा आपके पूरे ओट्स में आ जाएगा। सो इसे स्मैश करेंगे, तब तक हमारा ओट्स कुक हो रहा है। बनाना स्मैश होने के बाद कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सो अब इसमें हम कुक हो गए हुए ओट्स इसमें डालेंगे, सो पूरे ओट्स में इसका फ्लेवर आएगा। फिर इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसमें हाफ स्कूप वे डालेंगे, और मैं हाफ स्कूप इसलिए डालता हूँ क्योंकि जो मैं ओट्स यूज़ करता हूँ वो पहले से एक हाई इन प्रोटीन है, मुझे पर 100 ग्राम में 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। सो मैं एक बैलेंस करने के लिए हाफ स्कूप वे डालता हूँ। तो ओट्स हो गए ठंडे, अब हम इसमें डालेंगे हाफ स्कूप वे, और ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इस रेसिपी के मैक्रोज आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, सो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ओट्स ही है, आप अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। अब हम इसे ख़त्म करेंगे और मैं आपको मिलता हूँ शाम के समय, हम अपना कार्डियो कंप्लीट करने जाने वाले हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और कितना डेफिसिट में। अभी रात के 7:40 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं अपना स्टेप्स गोल कंप्लीट करने। मैं आजकल 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। और बात करते हैं हमारी कैलोरी इनटेक की, मैं पिछले 2 वीक से 2,000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, जो कि बनता है मेरा 300 का डेफिसिट। मेरा मेंटेनेंस कुछ दिन पहले 2,300 था, और जो हमारा डेफिसिट है वो कार्डियो और फूड से बैलेंस्ड है, इसलिए जिम में भी हमारी स्ट्रेंथ ड्रॉप डाउन नहीं हो रही है। अभी तक 2 वीक्स हो गए और मुझे ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है, मतलब मैं पहले कभी कट पे नहीं गया, बट ये जो भी चल रहा है मिनी कट, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। जब मैंने कट स्टार्ट किया था मेरा वेट अराउंड 67 था, एम्प्टी स्टमक सुबह गिना था, सो अब मेरा वेट 65.6 के अराउंड और 65.5 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है। सो हम हमारे स्टेप्स इंक्रीज़ करने वाले हैं, सो हम और धीरे धीरे वेट को ड्रॉप डाउन करेंगे और देखते हैं कैसे जाता है। अंगावर मास नाही पण टाकलेला खात नाही, परिस्थिती वाईट तरी मन मारून राहत नाही, नात्यांचे धागे जोडून किशानी फाटलाय, मैदानी खेळ खेळून चिकलानी माकलाय, मी पुस्तक पण वाचतो नि रस्ते पण जाणतो, अर्धवट ज्ञान नाही मी पद्धत।